एक दौर वो भी था जब माँ बाप अपनी बेटियों को बोझ समझते थे, या फिर कहा जाए उन्हें पराया धन समझते थे कि अगर बेटियां एक बार ससुराल चली गई तो वहां से वो वापस अपने घर नहीं आएंगी। लेकिन आज का जमाना बदल गया है, आज के माता पिता बदल गए हैं, और ऐसा ही कुछ एक मिसाल पेश किया है रांची के इस बड़े युवक ने। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। अक्सर लोग कहते हैं, अपनी बेटी को सिखाते हैं कि अगर तुम्हारी शादी हो जाती है और तुम अगर एक बार अपनी ससुराल चली जाती हो तो फिर वो तुम्हारा अपना घर हो जाता है और तुम्हारा मायका जो है वो तुम्हारा दूसरा घर होता है, यानी कि उसे तुम अपना पराया घर ही समझो। लेकिन क्या हो जब पिता अपनी बेटी को अपने उसके ही ससुराल से धूमधाम से आतिशबाजी से बैंड बाजे से लेकर अपने घर वापस आ जाए, जहां एक तरफ आए दिन बिहारी नहीं बल्कि पूरे देश में ये खबरें आते रहती हैं कि लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, बहुओं को प्रताड़ित किया जाता है, पत्नियों को प्रताड़ित किया जाता है पतियों के द्वारा, ससुराल वालों के द्वारा कि अपने घर से दहेज लो नहीं तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन आज रांची के इस युवक ने एक बड़ी मिसाल पेश की है, और मिसाल उन तमाम माँ बापों के लिए दी है जो अपनी बेटियों को पराया धन समझकर छोड़ देते हैं और उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहते हैं। उन्हें कहते हैं, जो जिंदगी तुम्हारी चल रही है, जो जिंदगी तुम्हारी कट रही है, तुम उसे वैसे ही काटो, उसी घर में रहो, उसी परिवार वालों के साथ रहो, क्योंकि वही तुम्हारा सब कुछ है। लेकिन इस पिता ने यह साबित कर दिया कि बेटी के लिए माँ बाप जो है वो सबसे पहले हैं, और बेटी का जो पहला घर है वो उसका मायका है। दरअसल ये कहानी एक युवती की है जो रांची की रहने वाली है। इसके पिता ने अपनी बेटी की शादी काफी धूमधाम से की और बेटी को ससुराल भी भेज दिया, लेकिन बेटी उस ससुराल में खुश नहीं थी। अब उस ससुराल वालों के द्वारा लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। जब पिता ने बेटी की शादी धूमधाम से की और उसे ससुराल भेज दिया तो पिता को इस बात की जानकारी हुई कि उसके पति ने उसकी बेटी के साथ धोखेबाजी की है, ससुराल वाले ने धोखेबाजी की है। उसके बाद पिता ने उस बेटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं कहा, उस बेटी को उस घर में रहने के लिए नहीं कहा, बल्कि बड़े शान से बेटी के ससुराल पहुंच गए, आतिशबाजियों के साथ बैंड बाजे के साथ बेटी को वापस अपने घर ले आए। आमतौर पर भारतीय समाज शादी के बाद बेटियों को ससुराल जाने के बाद ये माना जाता है या फिर उन्हें कहा जाता है कि उसका वही घर है। यूं कहें कि बेटियों के लिए मायका हमेशा छूट जाता है, फिर चाहे ससुराल में उसे कितना ही प्रताड़ित क्यों ना किया जाए, लेकिन ज्यादातर कोशिशें दोनों परिवार में समझौता कराने को लेकर होती है। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में एक पिता ने अपनी शादीशुदा बेटी के लिए जो किया वो पूरे शहर में चर्चा का विषय बना है। लोग न सिर्फ पिता की तारीफ कर रहे हैं बल्कि उनके इस कदम को बेटियों के लिए उठाए गए एक बड़ा उदाहरण भी बताया जा रहा है। दरअसल झारखंड के रांची में निकली एक बारात काफी ज्यादा चर्चाओं में है। ये बारात बेटी के ससुराल के लिए विदाई की खातिर नहीं बल्कि ससुराल की प्रताड़ना से मुक्ति के लिए निकाली गई है। पिता के ससुराल में शोषित और प्रताड़ित हो रही विवाहित पुत्री को वापस अपने घर लाया है, बैंड बाजे के साथ आतिशबाजियों के साथ बारात निकाली है। इस साहसी पिता का नाम प्रेम गुप्ता है, जो रांची के कैलाश नगर कुमार टोली में रहने वाले हैं। उनका कहना है, 28 अप्रैल 2022 को उन्होंने बड़े अरमानों के साथ, बड़े धूमधामों के साथ अपनी बेटी साक्षी गुप्ता की शादी सचिन कुमार नामक युवक से की। वो झारखंड बिजली वितरण नियम निगम के सहायक अभियंत के पद पर कार्यरत है और रांची के सर्व शहरी नगर में रहने वाले हैं। उनका आरोप है कि कुछ दिनों के बाद बेटी ससुराल में प्रताड़ित होने लगी, जब पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। करीब एक साल तक साक्षी को पता चला कि जिस शख्स के साथ उसकी शादी हुई है वो पहले से ही शादीशुदा है।
पिता और मायके वाले ने साक्षी के फैसले पर मुहर लगाई और साक्षी ने ये तय किया कि वो अपने पति से तलाक लेगी। और इस डिसीजन को यानी कि इस फैसले को साक्षी के माँ बाप ने काफ़ी ज़्यादा उनका साथ दिया और साथ देते हुए बेटी को काफ़ी धूमधाम से आतिशबाजियों के साथ बैंड बाजों के साथ ससुराल से अपने घर अपने मायके लेकर आ गई। और कहीं ना कहीं वो रांची शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश की है, कहीं ना कहीं एक उदाहरण पेश की है उन तमाम माँ बापों के लिए जो अपनी बेटियों को शादी के बाद ये सिखाते हैं कि तुम घर पे रहो, तुम हमारे साथ जो हो रहा है उस चीज़ को सहो, तुम हमारे लिए तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारे लिए पूरा परिवार जो है वही है, अब हम तुम्हारे लिए नहीं है।